कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको ठीक ठाक रखे, अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ दे। आज मैं बनाने लगी हूँ सूजी की पंजीरी। इसको बनाने के लिए 1 किलो घी है देसी, इसमें 1 किलो सूजी जाएगी। इसको पहले भूनने लगी हूँ, आज ना गैस नहीं आ रही इसलिए जल्दी कर रही हूँ कि ये भून जाए। ये देखे, ये हमारी अपनी रेसिपी है, अपने गांव की रेसिपी है। ये हमारी नानी दादी ये बनाती थी, वो ही मैं बनाने लगी हूँ। ये देखे ऐसे बनानी है, इसको भून लेना। गैस हल्की आ रही है, ये सूजी टाइम लेगी भूनने में। इतनी देर से मैं सारे मेवे ग्राइंड कर लूंगी। ये सारी चीजें पीस ली हैं, तमाम मेवे मैंने ग्राइंड कर लिए। मैं आपको बताती हूँ मैं क्या क्या चीज़ें पंजीरी में डालती हूँ। 1 पाव नारियल लिया है, इसको बारीक बारीक काटा है, फिर इसको ग्राइंडर में पीस लिया। सौंफ लिया 1/2 पाव, इसको भी पीस लिया। ये सौंफ आँखों के लिए अच्छी होती है, नज़र के लिए, ये दिमाग के लिए भी अच्छी है। ये धनिया लिया 1/2 पाव, ये 1/2 पाव खसकास है, इसको पहले साफ किया, धोया, खुशक किया, फिर इसको फ्राई किया, अब इसको ग्राइंडर में पीस लिया। ये नज़र के लिए और दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है। 1 पाव किशमिश लिए, इसको धोया, इसको खुशक किया, फिर इसको फ्राई किया थोड़े से मक्खन में। 1 पाव बादाम लिए, इनको फ्राई किया, फिर इसको ग्राइंड कर लिए बारीक बारीक, क्योंकि जिसके दांत नहीं ना वो भी खा सकते हैं, मेरे दांत नहीं है। ये 4 मगज हैं, इनको साफ करके खुशक करके फिर इनको फ्राई किया, अब इसको ग्राइंड कर लिया बारीक बारीक। ये सूखा धनिया 1/2 पाव लिया, इसको ग्राइंड कर लिया। ये सब मेवे ग्राइंड कर लिए, ये सब पंजीरी में जाएंगे। ये शक्कर है 1 किलो, ये मैनू शुगर है इसलिए चीनी नहीं मैं डाल रही, मैं शक्कर डाल रही हूँ। देखे सूजी बुन गई है, माशाल्लाह की घी ने छोड़ दी है। ये देखे, ये देखे माशाल्लाह सूजी भुन गई है। जब खुशबू आने लगे घी छोड़ दे, फिर ना इसको चूल्हा बंद कर देंगे, थोड़ी देर इसको ठंडा होने देंगे। थोड़ी थोड़ी गर्म रह जाएगी तो फिर इसमें सब मेवे डाल देने हैं एक ही तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखे थोड़ी थोड़ी ठंडी रह गई है, अब इसमें सारे मेवे जाएंगे। सबसे पहले डालने लगी हूँ खसखास, ये जाएगी। ये चली गई सूखा धनिया, इनको अच्छी तरह मिक्स करना, इसके साथ ही ये शक्कर डालनी है। अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं थोड़ी या ज़्यादा। नारियल डालने लगी हूँ, किशमिश जाएगी, फिर ये डालने लगी हूँ 4 मगज, ये दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये बादाम है, ये देखें, ये सब चीज़ें चली गई हैं। इसमें 10 की इलायचियाँ भी ग्राइंड की हैं, वो भी इलायची ये ग्राइंड कर ली हैं 10 की। सबको मिक्स कर लें,
तो पंजीरी आपकी तैयार हो गई है। ये देखें, ये सब मिक्स करेंगे। ये बर्तन छोटा है थोड़ा, ये आस्ता आस्ता मिक्स होगी ना। ये पंजीरी सर्दियों के लिए बहुत अच्छी है, आपके दर्द के लिए, कमर में दर्द हो। हमने गूंद, मैं नहीं पसंद करती गूंद, नहीं मुझे अच्छी लगती है। ये देखें माशाल्लाह पंजीरी तैयार हो गई है। आप ऐसे ही बनाएं, अपने माँ बाप के लिए दुआएं लें और मुझे भी दुआएं दें। मेरी रेसिपी ट्राई करें, ये कैसे बनती है सब बनाएं। आप बना के ऐसे डब्बे में भर दें, 2 महीने के लिए खाते रहें। अरे थोड़ी थोड़ी गर्म है, मैं आपको दिखाने के लिए ये डाल रही हूँ, ठंडी होगी फिर डालना। ये मेरी रेसिपी ट्राई करें, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।